हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। जैसा आपने थंबनेल देखा और देखकर समझ गए होंगे, ये जो वीडियो रहने वाली है हमारी यूएफएस के ऊपर रहने वाली है, जो कि अभी तक आपने ईएमएमसी के ऊपर काफी सारे वीडियो देखे हैं जिसमें ईएमएमसी चेंज टॉपिक आपने देखा। बट फ्रेंड्स, अभी जो लेटेस्ट 5G हैंडसेट आ रहे हैं उसमें आपको यूएफएस मिलने वाला है, यूनिवर्सल फ्लैशिंग स्टोरेज जिसको कहा जाता है, जिसमें 2.1, 3.0 और 3.1 अलग अलग उसके वर्जन होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अभी यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास है दो प्रोग्रामिंग बॉक्सेस जिसमें आप मीपी टेस्टर और इजी जेटैक देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के बॉक्सेस आते हैं आपको जिसमें आपने यूएफएस भी चेंज कर सकते हैं। जी हां फ्रेंड्स, सही सुना आपने कि हम यूएफएस भी चेंज कर सकते हैं। आपने यूट्यूब पर ये पहला वीडियो होगा, यहां पे हमारे पास एक लाइव हैंडसेट है जो कि रेडमी नोट 8 प्रो का हैंडसेट है और इसमें हम अभी आपको लाइव यूएफएस चेंज करके बताने वाले हैं। पहले के यूएफएस का नंबर क्या है और जो दूसरा डाल रहे हैं उसका भी यूएफएस का नंबर क्या है, ये आपको पूरा सिक्योरिटी के साथ आप नेटवर्क के साथ आप रिपेयर कर सकते हैं। बट हमारे पास जो हम काम सिखाते हैं लीगल वर्क सिखाते हैं कि कैसे आप सेट को ऑन कर सकते हैं, तो यहां पे एक पूरा प्रोसेस बताया जा रहा है। और अगर आपको अच्छे से सीखना है कि यूएफएस को चेंज कैसे किया जाता है, काफी सारे सीपीयू यूज होते हैं, जैसा आपका ज़ाइनॉक्स सीपीयू होता है, एमटीके सीपीयू होता है और एक क्वालकॉम सीपीयू आता है अभी के हैंडसेट में, और एसपीडी भी आता है लेकिन वो कुछ कम सेटों में आता है। लेकिन यूएफएस में फ्रेंड्स, आप किन किन हैंडसेट्स पे, जैसा ज़ाइनॉक्स पे आप बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं यूएफएस, मीडियाटेक सीपीयू है, चाहे वो 4G हो, 5G हो, जो भी सीपीयू लगा हो जिसमें यूएफएस लग के है, बहुत इजीली आप उसको चेंज कर सकते हैं। फोनविक हैदराबाद की तरफ से पहली बार आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे इस मॉडल का, तो शायद ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो शायद ही मिल जाएगा एक आध वीडियो। बट फ्रेंड्स, यहां पे हमने विदाउट अनकट वीडियो बनाया, पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है और कुछ समझ में आया तो ठीक है, अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाइए। अगर आप खाली ईएमएमसी और यूएफएस का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन का कोर्स, तो ऑनलाइन का जो कोर्स है हमारा 1 अगस्त से है, 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, जिसकी फीस जो है आप दो मोबाइल पे काम कर ले उतनी सी फीस है, आप व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। और अगर प्रैक्टिकली आकर सीखना है यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ईएमएमसी और यूएफएस का एक पूरा कोर्स होता है 20 दिन का, जिसमें आप डिटेल ले सकते हैं, वो आप व्हाट्सअप करिए डिटेल दे देंगे। तो तौफीक सर, ये बताइए, अभी तक मार्केट में लोग ईएमएमसी तो चेंज कर पा रहे थे लेकिन यूएफएस में फंस रहे थे, तो क्या रीजन है, क्यों वो लोग नहीं कर पा रहे, क्या वो ईएमएमसी की तरह ही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या फिर इसमें कुछ चेंजेस है? देखो सर, होता क्या है, अभी सब लोगों को ईएमएमसी का काम करना आता है कि कहां से ईएमएमसी का नंबर, पार्ट नंबर लेना है, उसके अंदर सीआईडी नंबर, आरपीएमबी क्लीन करना, ये सारी चीजें जो है तो ईएमएमसी में करते है, लेकिन अब ये सारी चीजें यूएफएस में नहीं है। अब यूएफएस का काम करने का तरीका थोड़ा अलग हो चुका है जो ईएमएमसी से कंपेयर नहीं कर सकते। इसका जो अगर आप कोई भी अगर उठा के लगाओगे या उसको प्रोग्रामिंग करना नहीं जानते तो बहुत इतने एरर आएंगे आपको कि आपका फोन डिटेक्ट नहीं करेगा ईएमएमसी, या यूएफएस उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा ठीक से, या फिर आप उसको प्रोग्रामिंग ठीक से नहीं कर सकते। तो कई जगह पर डंप की जरूरत होती है, कई जगह पर डंप की जरूरत नहीं होती, कई जगह पर हम उसको डंप बना सकते हैं। अगर आपको कहीं डंप नहीं मिल रहा और वो बिना डंप के चालू नहीं हो रहा तो बाय फ्लैशिंग से कैसा डंप क्रिएट करना वो भी हम बताएंगे। मतलब कहीं पे यूएफएस का आपको डंप नहीं मिल रहा है, फाइल नहीं मिल रहा है, तो हम खुद का डंप बना सकते हैं, ये बता रहे हैं। तो बहुत सारे हैंडसेट का यानी सारा तरीका आपको सिखाया जाएगा कि डंप कैसे बनाना है। अगर आपके पास पुराना जैसा यूएफएस आया वो बिल्कुल डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है तो फिर उसमें आपको डंप मिलता नहीं है, कहीं पे सिक्योरिटी नहीं मिलता, फिर आप वो सेट को वापस दे देते। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है उसके आगे का तरीका। बहुत सारी फाइलें हैं, जैसा ईएमएमसी में हमारी फाइलें होती थी, मॉडम की फाइल हो गई या फिर एनवी डाटा एनवी रैम की फाइल हो गई, ऐसे बहुत सारे फाइलें होती थी, लोअर पार्टीशन, अपर पार्टीशन। यहाँ पे यूएफएस में फाइलों का बिल्कुल नाम चेंज रहने वाला है। यहाँ पे लून 0 से लून 1, लून 2, लून 3, LUN जो कि लॉजिक यूनिट नंबर होते हैं आपके, ये यहाँ पे मिलते हैं। तो इसमें तौफीक सर कुछ नए फाइलों के जो नाम आ रहे हैं जो कि बिल्कुल ईएमएमसी से अलग है। देखो ईएमएमसी में क्या होता था, अगर हमें कोई ईएमएमसी चेंज करना है, जैसे कि हम एक नोट 5 प्रो नोट 6 प्रो कर रहे हैं और उसका ईएमएमसी बीजे 254 है, तो हम कोई भी सेट से निकाल कर उसको इरेज करते थे और डायरेक्ट लगा लेते थे, उसमें कोई पार्टीशन क्रिएट नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब यूएफएस में ऐसा हो गया है, मीडियाटेक के पार्टीशन अलग है और क्वालकॉम के पार्टीशन अलग है। जैसे कि हमारे हार्ड डिस्क के कैसे पार्टीशन बनते हैं, लोकल डिस्क, ईएस, इस तरह से एक लून के पार्टीशन बनते हैं। अगर आप क्वालकॉम से उठाकर मीडियाटेक में लगा रहे हो तो नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर उसका जो यूजर एरिया है वो कहीं और लोकल पार्टीशन में चला जाता है, तो आप बूट नहीं कर पाओगे। पहले तो उसको प्रोग्रामिंग करना सीखना पड़ेगा, तो जब जाकर आप इसको काम कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मीडियाटेक से क्वालकॉम में नहीं डाल सकते, ना मीडियाटेक से क्वालकॉम से मीडियाटेक में। तो उसका एक प्रॉपर तरीका है कि कौन सा यूएफएस यूज करना है आपको, सिर्फ आईसी निकाल लेंगे लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं वो ऑन होने वाला है। उसका एक तरीका होता है कि
है, कौन सी उसको सपोर्ट करेगी सीपीयू में। यहाँ पे हमने डायरेक्ट सीपीयू नहीं डाला है फ्रेंड्स, मार्केट में काफी सारे बहुत वीडियो ऐसे आ रहे हैं आपको, मार्केट में 1200 में सीपीयू मिलता है, आप डाल के उसको ऑन कर सकते हैं, बट ये तरीका काम करने का तरीका है। डायरेक्ट अगर आप सीपीयू डाल रहे हैं मतलब आप डायरेक्ट एक सीपीयू खरीद के ला लिए और डाल दिए सेट ऑन हो जाएगा, लेकिन ये जो तरीका रहने वाला है आपको कि कौन सी फाइल डालनी है, पहले एक यूएफएस लेंगे आप, ऐसा नहीं कि मार्केट में नया यूएफएस खरीद के ला रहे हैं, हम आपको यूएफएस स्क्रैप बोर्ड में से ही निकाल के उसको कैसे बनाना है, पहले कैसे प्रोग्रामिंग करके उसको रिपेयर करना है, उसके बाद उसमें फर्मवेयर डालना है, उसके बाद सेट ऑन होगा आपका। ऐसा नहीं है कि मार्केट में सीपीयू मिल रहा है खरीद के ला लिए, यूएफएस मिल रहा है खरीद के ला लिए, तो उसमें कुछ आरपीएम भी की नहीं होती है, वो सीपीयू नया सीपीयू होता है, उसमें कोई ऐसी प्रोग्रामिंग की नहीं होती है, वो कोई भी एमएमसी पे साथ आप लगा सकते हैं जो उसकी कंफर्टेबल होती है, लेकिन यहां पे एक पूरा प्रॉपर तरीका सिखाएंगे। तो एक लाइव सीपीयू हम लाइव मोबाइल ये रिपेयर करके आपको बता रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीका सीखने के लिए, ये एक मोबाइल का तो आप कर लेंगे लेकिन दूसरे आएंगे तो फिर फंस जाएंगे, दूसरे की फाइल अलग रहेगी, उसके पार्टीशन अलग रहेंगे, उसका नाम अलग रहेगा, उसका यूएफएस अलग रहेगा, शायद 2.0 हो सकता है, 2.1 हो सकता है, 3.0 हो सकता है, कोई भी यूएफएस हो सकता है, उसका पार्ट नंबर अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको देखना है। पहले तो हम फोन माइक्रो डीपी में एमएमसी वगैरह का सर्च कर लेते थे, लेकिन यूएफएस को कैसे समझना है ये सारी चीज आपको लाइव क्लास में बताएंगे। 27 जुलाई से बैच है हमारा, हार्डवेयर के साथ साथ एमएमसी UFS का बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग है, उसके अंदर हार्डवेयर का कोर्स करिए, साथ में EMC UFS पूरा डिटेल में सीखिए, लाइव क्लासेस होते हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आप EMC का कोर्स करना चाहते हैं UFS के साथ, EMC के कोर्स के साथ UFS का पूरा कोर्स फ्री है, बहुत कम चार्ज है उसका, सिर्फ ऑनलाइन में हम सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, हार्डवेयर के लिए आपको प्रैक्टिकली हमारे इंस्टीट्यूट में आना है, 20 दिन देना है, टीचर्स के साथ रहना है, तब कहीं जाकर आप उसमें भी मास्टर बन सकते हैं। तो डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, पूरा डिटेल ले लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, पूरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप लाइव अनकट वीडियो है, पूरा हमने बताया है कि इसमें कैसे इस हैंडसेट को रिपेयर किया है। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा बट पूरा देखिए, स्किप मत करिए, और अगर आपको अच्छे से सीखना है तो फोनफिक हैदराबाद को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कोर्स के अंदर। वेलकम टू फोनफिक्स यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिन के बाद आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि एक आज जो नया कंटेंट जो मैं आपको बताने वाला हूं कोई ईएमएमसी के ऊपर नहीं है। इस बार जो मैंने लेकर आया आपके लिए एक लाया यूएफएस चेंज के ऊपर। जी फ्रेंड्स, जो एक फोन मेरे हाथ में आप देख सकते हो, एक फोन है रेडमी नोट 8 प्रो एमआई का, जो कि यूएफएस चिप लगा हुआ है इसमें, और ये जो चिप है इसके अंदर कंपनी है एसके हाइनिक्स की। मैं आपको यहां पर सब कुछ बताऊंगा कैसे क्या क्या चीजें, तो इस वीडियो को पूरा आप देख लेना कि क्या क्या चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। पूरा वीडियो इंट तक देखिए, स्किप मत करिए, और इसके अंदर मैं आपको फुल प्रोसेस दिखाऊंगा कि क्या इसके अंदर यूएफएस चेंज करने के लिए आपको करना क्या क्या है। बहुत सारे चीजें हैं मार्केट में, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने ये कर भी चुके होंगे, बट ये यूट्यूब पे पहला वीडियो होगा जो कि पूरा डिटेल के साथ बताया जाएगा, और इसके अंदर जो भी चीज आपको मैं बताऊंगा आप उसको फॉलो करिए, बस आपका भी काम हो जाए। और इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ कि एक चालू फोन के ऊपर एक दूसरा यूएफएस लगाकर मैं दिखा रहा हूँ, हालांकि कोई हमारे पास डेट प्रॉब्लम नहीं है, एक वर्किंग वाला फोन है, देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरा वर्किंग वाला फोन है, और हमारे पास एक और एक यूएफएस है जो कि सैमसंग कंपनी की है, तो इसमें एसके हैनिक्स लगा हुआ है और हम यहाँ पर लगाएंगे सैमसंग का। मैं आपको यहाँ पर कैमरे में बताऊंगा ये नंबर कौन से नंबर की लगा रहे हैं और इसका भी नंबर क्या है, कैसे इसको फाइंड करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं ये बोर्ड को निकाल के इसके अंदर जो कंपनी है पहले मैं वो दिखा देता हूँ, वो कौन सी कंपनी की लगी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी पेस्टेड निकला हुआ है, अगर शायद मैं आपको कैमरे में दिखा दूँ तो दिखेगा या नहीं दिखेगा एक बार देख लो, नहीं दिखेगा तो मैं आपको कैमरे में दिखा देता हूँ यहाँ पर स्क्रीन पे। तो इसके अंदर जो है एसके हाइनिक्स लगा हुआ है और मेरे हाथ में एक जो है यूएफएस ये है हमारा सैमसंग का, और ये दोनों भी यूएफएस वर्जन है 2.1 वाले। अब यहाँ पर देखिए यूएफएस चेंज कैसे करना है, कौन से वर्जन के हिसाब से करना है, 2.1 में चलेगा, 2.2 में चलेगा, अभी तो मार्केट में 4.0 तक यूएफएस आने लग गए हैं मार्केट में। तो हर एक चीज़ के बारे में हम सारे यूएफएस के वर्जन के बारे में प्रोग्रामिंग करके बताएंगे कैसे करना है क्या करना है, ये सारा डिटेल हम
आपको क्लास में देंगे, तो आपको बुक करना होगा आपकी हमारी जो नेक्स्ट बैच है 27 जुलाई की, और आप अपने नीचे नंबर दे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट की डिटेल ले सकते हैं, कोर्स की जो जो डिटेल्स होती है वो आप ले सकते हैं। तो हम सब ये सब चीज़ें आपको यहाँ क्लास में बताएंगे किस तरह से काम करना है, क्या करना है। तो चलिए आते हैं, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाता हूँ और इसकी आईसी हम यहाँ पर रिमूव कर लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखा देता हूँ, ये हमारा सीपीयू है मीडियाटेक का और यहाँ देख सकते हैं ईओएफएस लगी है सैमसंग एसके हाइनिक्स की, जो कि नंबर H9HQ जो ये लगी है ईओएफएस एसके हाइनिक्स की है। और हम जो लगाएंगे इसकी जगह पर ये वाली जो कि सैमसंग की है B707 नंबर की, ठीक है। मैं अच्छे से और एक बार आपको क्लियरली दिखा देता हूँ, ये हमारी सैमसंग की है और यहाँ पर ये जो लगी है ये एसके हाइनिक्स की। तो मैं इसको निकाल के ये वाली फिक्स करूँगा और आपको पूरी तरीके से प्रोग्रामिंग करके दिखा दूंगा। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको ये ईओएफएस को प्रोग्रामिंग करना है, उसके बाद इसके अंदर फिक्स करना है, क्योंकि ये जो चिप है मैंने यहाँ पर पोको X2 से निकाला हुआ है। देख सकते यहाँ पर ये जो बोर्ड है मैंने इसके अंदर से इसकी कॉम्पेटेबल मिली थी। तो ये कॉलकॉम वाला सेट है और कॉलकॉम के अंदर जो लून्स पार्टीशन होते हैं उसमें लून 0 से लेकर लून 5 तक होते हैं और मीडियाटेक में लून 0 से लेकर लून 2 तक होते हैं। तो यहां पर अगर आप डायरेक्ट लगाओगे किसी से निकाल कर तो ऑन नहीं होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको ईओएफएस को प्रोग्रामिंग करनी होगी। तो ये प्रोग्रामिंग मैं आपको मीपी बॉक्स से बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, सारा इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। तो कंटिन्यू करेंगे हम यहां पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास है मीपी का बॉक्स और सबसे पहले हम इसको टूल ओपन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये यहाँ पर मीपी के बॉक्स के अंदर ईओएफएस लगा देंगे और मीपी का टूल ओपन करके इसके अंदर क्या क्या करना है वो सारा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। रही बात प्रोग्रामिंग के अंदर, आपको बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है, डम फाइल की ज़रूरत होती है, एट्रीब्यूट्स फाइलों की, डिस्क्रिप्टर फाइल होती है, ये सारे फाइल्स के बारे में आपको मैं यहाँ पर क्लास में डीप नॉलेज दूंगा कि डिस्क्रिप्टर क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारे रीड चीप कॉन्फिगरेशन क्या होती है, ये सारे ईओएफएस में डीप नॉलेज आपको मैं यहाँ पर क्लास में बताऊंगा। आपको एक छोटा सा सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ जो कि आप इजीली कर सकते हो, ये तो एक छोटा सा है लेकिन इसके अलावा इतने सारे चीज़ें हम यहाँ पर क्लास में बताएंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि ईओएफएस में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाले। देखिए क्या है कि आप जो काम आने वाला है मार्केट में, ईएमएमसी तो कम हो गए, मार्केट में ज़्यादा आ नहीं रहा है, और आया भी तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे टेक्नीशियन बैठे हैं कि जो एक दूसरे का काम जो तो कम करके दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों का काम जो है तो कम हो गया ईएमएमसी के अंदर, लेकिन अब जो मार्केट में ईओएफएस आएगा और ईओएफएस काम करने वाले बहुत से कम लोग भाई है जो कर नहीं पाते, बहुत बार ईओएफएस को रिटर्न देना पड़ता है, प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते, अनलॉकिंग नहीं कर पाते, डम रीड एंड राइट नहीं कर पाते, चेंज नहीं कर पाते। तो ये सारे चीज़ें हम यहाँ पर आपको डीपली बताएंगे, आपको ये चीज़ के लिए अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इन फ्यूचर में जो सारे काम आने वाले ईओएफएस वो आप नहीं कर पाएंगे, सारा काम आपका रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ, MIPI से बताने वाला हूँ, ये सारा काम EZX से भी हो जाएगा, मेडुसा से भी होगा और MIPI से भी होगा, ईओएफएस से नहीं होगा। ईओएफएस के अंदर ईओएफएस का जो काम होता है वो थोड़ा सा इतना कुछ खास नहीं है, उसका बेकार सा काम है, ये सारा काम यहाँ पर होगा, ये सारे बॉक्सेस लेने पड़ेंगे। तो आपको मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ये आईसी एक मैंने कॉलकॉम वाले सेट से लिया था जिसके अंदर लॉन के जो पार्टीशंस होते हैं उसमें 5-6 पार्टीशंस होते हैं और हम ये मीडियाटेक में शिफ्ट करने वाले हैं, तो इसके अंदर लॉन पार्टीशन के 3 होते हैं। तो वो किस तरह से उसको हम कॉलकॉम टू मीडियाटेक कन्वर्ट करेंगे वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखना इन तक। इसके बाद यहाँ टूल ओपन हो गया और ईओएफएस हमारा 2.1 है तो हम 2.1 को सेलेक्ट करेंगे। आप 3.0 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फोन आपका आईसी डिटेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ईओएफएस में और ईएमएमसी में जो डिटेक्ट का टाइमिंग होता है वो ईओएफएस का थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा होता है, ईएमएमसी क्लिक करते ही डिटेक्ट हो जाती है लेकिन ईओएफएस में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते डिटेक्ट होना स्टार्ट हो गया,
जो कि देख सकते हैं यहाँ पर 2.1 सैमसंग का यहाँ पर लगा हुआ है ईओएस, और इसमें ये नंबर है प्रोडक्ट नंबर, उसके बाद कैपेसिटी 128 GB है। लोन के पार्टीशन आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 से 6 पार्टीशन है लोन के, ये क्वालकॉम के लिए। लेकिन अब इसको मैं मुझे मीडियाटेक में ट्रांसफर करना है, लोन के 3 पार्टीशन इसमें इंटर करना है, उसके बाद मुझे इसके अंदर 512 का डम डालना है। अगर आप डम नहीं भी डालते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इंजीनियरिंग रूम डालकर भी ऑन कर सकते हैं बाकी फर्मवेयर वगैरह, लेकिन यहाँ पर हम इसको 512 का डम डालेंगे क्योंकि हम इसके अंदर इंजीनियरिंग नहीं डाल रहे, डायरेक्ट इसके अंदर हम रूम डाल के ऑन कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर एक फाइल डालूंगा जिससे हमारा मीडियाटेक टू क्वालकॉम टू मीडियाटेक कन्वर्ट हो जाएगा। वो फाइल के बारे में हम डिटेल्स यहाँ पर कोर्स में बताते हैं, हमारे क्लास में बताते हैं कैसे वो फाइल होती है। फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे फाइल को हम हाइड कर रहे हैं, जब आप हमारे पास कोर्स में आएंगे तो सारी फाइलें आपको देंगे कि कैसे आप एक क्वालकॉम के यूएफएस को एमटीके में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी और में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सारा चीज़ लाइव क्लास में बताएंगे, लाइव रिपेयर करके आपको बताएंगे क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले कॉपी करते हैं। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ राइट, तो राइट होने के बाद देख सकते हैं अभी ये रिकनेक्ट होगा आईसी, उसके बाद क्वालकॉम के जो लोन पार्टीशन है वो हो जाएंगे मीडियाटेक में कन्वर्ट। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, तो देख सकते हैं यहाँ पर डिटेक्ट हो रहा है, वापस से रिकनेक्ट हो रही है आईसी। अब यहाँ पर आपको लोन पार्टीशन 3 ही देखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर मीडियाटेक की फाइल डाल दी है क्वालकॉम की हटाकर, अब यहाँ पर मीडियाटेक का बन चुका है। अब इसको आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कैसे करना है क्या करना है वो आगे की वीडियो में होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम इसमें डम डालेंगे, डम फाइल जो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास बैकअप करके रखा हुआ है, आप गूगल से डाउनलोड कर लो या आप किसी पुराने आईसी से रीड करके रख लो। अगर आपके पास डम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंजीनियरिंग डालकर भी फ्लैश कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पर लोन 1 लोन 0 सारा हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और लोन 2 को भी हम लास्ट में यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको हम कर देते हैं राइट। तो यहाँ पर स्पीड आप जो देख सकते हैं, थोड़ा सा नजदीक से आके बता दीजिए, यहाँ जो स्पीड होगी जो हाई स्पीड में चल रहा है, इतनी स्पीड में कोई बॉक्स भी काम नहीं करता जितनी यहाँ पर ये बता रहा है, ठीक है। तो हो भी गया, यहाँ पर देख सकते 5 सेकेंड के अंदर ये डम राइट किया, ये MIPI का कमाल है, ठीक है। अगर आप EZX से करोगे यही चीज आपको वहां 5 मिनट लगेंगे, 2-3 मिनट लग जाएंगे, बस टाइमिंग का फर्क होता है। अगर आपको फास्ट काम करना है तो MIPI यूज कर लो, अगर आपको चलो ठीक है आप पहले से EZX यूज कर रहे हो तो आप उस पर भी चला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई भी बॉक्स नहीं है, अगर UFS के लिए लेना चाह रहे हो तो MIPI इज द बेस्ट बॉक्स, ठीक है, आप वो यूज कर सकते हैं UFS के लिए। बाकी MMC का भी काम हो जाता है, बस कुछ RPM भी क्लीन नहीं हो पाता MMC का, बस उतने एक प्रॉब्लम है, बाकी सारा चीज आप चला सकते हो। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया, अब हम इसको फोन में फिक्स करेंगे आईसी को। तो चलते हैं हमारे फोन के बोर्ड पे और ये हमारी आईसी जो है मेरे नाम का टी डाल दिया, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ मार्क किया हुआ है, ठीक है, और जो मैं ईओएस डाल रहा हूँ उस पर भी मैं मार्क कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस पर मैं मार्क कर दूंगा, इस पर मैं एक्स बना देता हूँ, ठीक है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं सबसे पहले ये ईओएस को निकालूंगा और ये वाली ईओएस को फिक्स करके आपके सामने लाइव बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको ईओएस को उठा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आईसी हमने निकाल दी है, और सबसे पहले इसको मैं क्लीन कर देता हूँ,
उसके बाद हमारी दूसरी आईसी को हम फिक्स कर देंगे, वो ऑलरेडी रिवॉल्व करके रखी है, बस इसको क्लीन करके लगा देंगे। यहाँ पर हमारा देख सकते हैं बोर्ड क्लीन हो गया। एक बार इसको थिनर से साफ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले यूएफएस को फिक्स करेंगे जो हमने सैमसंग के लिए थे इसकी जगह पर, और उसको हम यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। और ये वही यूएफएस है जो हमने मार्क किया हुआ देख सकते हैं यहाँ पर, उसी को हम यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे हम। यहाँ पर फिक्स हो गई है यूएफएस को। ठीक है, थोड़ा सा कूल होने देंगे। तो देख सकते हैं हमने जो मार्क किया हुआ है यहाँ पर सीपीयू पे टी लगा हुआ और यहाँ पर एक्स लगा हुआ। ठीक है, जो इसकी पुरानी यूएफएस थी वो हमारी यहाँ पर साइड में रखी है, एसके हाइनिक्स का देख सकते हैं ये है हमारा। और अब इसको हम फ्लैश करेंगे बाय यूएसबी से। तो कैसे फ्लैश करना है, क्या करना है, वो सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा फ्लैश करके। अब ये जो 512 का जो डम डाले या नहीं भी डाले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं बिना डम के। ठीक है, तो फ्लैशिंग ये आपको डायरेक्ट ऑटोपोर्ट बनाएगा, ऑटोपोर्ट बनाकर आप इसको फ्लैश कर सकते हैं बाय यूएसबी से। तो अब मैं यहाँ पर इसको फ्लैश करूँगा, थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा होने देंगे। ठीक है, चलिए अब इसका लास्ट फाइनल काम है, अब यूएसबी से पूरा काम हो जाएगा, इसके बाद आप इसको ऑन कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले मैं इसको फोल्डर में फिक्स कर देता हूँ। उसके बाद सबसे पहले हम इसका टूल ओपन करेंगे, जो हमारा फ्लैश टूल है एसपी फ्लैश टूल से ही करेंगे हम इसको पूरा फ्लैशिंग। ठीक है, ऑलरेडी मेरी फाइल डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है जो MIUI 12 वर्जन की है, और टूल भी हमारे पास डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, तो ये सारा चीज़ मैं ऑलरेडी रेडी करके रखा हूँ। तो चलिए मैं इसको फ्लैश टूल को ओपन कर देता हूँ और इसके अंदर हम फाइल को लोड करेंगे। एक बाईपास टूल की ज़रूरत भी पड़ेगी आपको, जो कि आपका ऑथेंटिकेशन को बाईपास करने के लिए ज़रूरत होता है, उसको भी हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके रख लेंगे। ठीक है, ये हमारी है बाईपास टूल, इसको ओपन कर लेंगे हम। ठीक है, ये हो गया हमारा ओपन, और एसपी फ्लैश टूल को हम ओपन कर लेंगे।
तो एस पी फ्लैश टूल एक मिनट में यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, उसके बाद हम फाइल को लोड करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा टूल ओपन हो गया। सबसे पहले इसकी हम स्कैटर फाइल को लोड करेंगे डेस्कटॉप पे जो रखा हुआ है, और नोटेड प्रो इसका जो प्रोडक्ट नेम है फाइल का बिगोनियन बोलकर आएगा, इसका नोटेड प्रो का मॉडल कोड होगा। यहाँ पर हमारी इसकी फाइल है, तो यहाँ पर फाइल लोड हो रही है। अब इसके बाद आपको एक दो तीन फाइल को अनटिक करना है। अगर आप एसपी फ्लैश टूल से फ्लैश कर रहे हो तो इसमें दो तीन फाइल अनटिक करना होता है, या फिर अगर आप डायरेक्टली अनलॉक टूल या यूएमटी से फ्लैश करते हैं तो डायरेक्टली फ्लैश हो जाएगा, कोई अनटिक नहीं करने की जरूरत है। फिर भी मैं यहाँ पर फ्री वाले टूल से कर रहा हूँ। तो इसमें जी सॉर्ट एक फाइल एक्सट्रैक्ट अनटिक करनी है, ओईएम मिस्क अनटिक करनी है, एक्साइट और कस्ट, ये चार फाइल को अनटिक करना है। तो ये अनटिक क्यों करना है, क्या काम होता है, ये फाइलों का डिटेल्स हम बाद में यहाँ हमारे कोर्स में क्लास में बताते हैं ये सारी चीज़ें के बारे में। फाइल होती कौन सी है, हर एक फाइल के डिटेल्स बताते हैं, सारे फाइल्स के ऊपर काम कैसे करना है, इसका काम क्या होता है, इनको क्यों अनटिक और अनटिक कहाँ करना है, कहाँ अनटिक नहीं करना है, ये सारा चीज़ हम डिटेल में बताएंगे आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये बाईपास टूल में बाईपास कर लेते हैं ऑथेंटिकेशन। मैं यहाँ पर बैटरी लगा लेता हूँ और ये ऑटो पोर्ट बना लेगा क्योंकि इसमें कोई फर्मवेयर नहीं है, तो इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ऑथेंटिकेशन बाईपास हो गया है। अब नेक्स्ट हम आते हैं हमारे एसपी फ्लैश टूल पे, इसको हम यहाँ पर ओनली यहाँ पर डाउनलोड क्लिप पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं चिप इन्फो आ गया साइड में, ठीक है, चिप इन्फो आ गया। और इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर देखो कुछ एरर आया, तो ठीक है इसको हम यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेट ऑल पे क्लिक करेंगे। कभी आपको इस तरह से एरर आ जाए तो आपको सिर्फ फॉर्मेट ऑल पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो ऐसे जितने भी एरर्स आते हैं मार्केट में, हम हर एक के एरर्स के सॉल्यूशन आपको देंगे। जो भी आपको एरर आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं, और इसको फिर से रिकनेक्ट करूँगा उसके बाद। ठीक है, ऑथेंटिकेशन बाईपास हो गया और यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ फ्लैशिंग को। तो यहाँ पर हमारी हो गई फ्लैशिंग स्टार्ट, और साइड में देख सकते हैं चिप इन्फो। अगर आपको चिप इन्फो आ गया इसका मतलब समझ लो आपका स्टोरेज हो गया डिटेक्ट। अगर आप कोई स्टोरेज लगाते हैं और यहाँ पर डिटेल नहीं आती है तो इसका मतलब उसको कॉम्पिटिबल नहीं है। ये कॉम्पिटिबल कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, बहुत सारे चीज़ें हैं, कोई एक तरीके से नहीं है। खाली फोन माइक्रो डीबी नहीं है क्या, आपको वहाँ से ही मिलेगा एमएमसी चेंज करने का डिटेल। ऐसे हम बहुत सारी जगह से आपको बताएंगे, एक जगह से नहीं है, बहुत जगह से, कॉलकॉम के लिए, मीडियाटेक के लिए, हर एक जो सीपीयू होता है कहाँ से उसका एमएमसी सीपीयू यूएफएस उठाना है, कहाँ से निकाल के लगाना है, ये पूरा डिटेल हम आपको क्लास में बताते हैं, यहाँ पर नहीं। और इसके बाद इसके ऑन होने के बाद इसके अंदर जो रह जाएगा वो सिक्योरिटी राइड करना होगा, उसके बाद सिक्योरिटी राइड करने के बाद आपका फोन कंप्लीटली टोटल ऑन हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिक्योरिटी का नहीं बताऊंगा क्योंकि ये इलीगल जो टास्क होता है ये हम यहाँ पर पब्लिश नहीं करते हैं, ठीक है। ये सारा चीज हम यहाँ पर क्लास में आपको आराम से बताएंगे, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, एनवीआरएम की फाइलें बताएंगे, वो फाइलें काम कैसे करती है, उसके अंदर आरएसए रजिस्टर कौन सा होता है, एनवी डाटा इज करप्टेड अगर इसमें आ जाए प्रॉब्लम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, या हर एक छोटा छोटा जो प्रॉब्लम आता है फोन के अंदर ये सारा चीज हम इसको सॉल्व आपको करके दिखाएंगे। तो कैसे करना है, क्या करना है, तो जल्दी से अपनी सीट बुक करिए, नीचे दिए गए नंबर पे आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट बैच जो बुकिंग चल रहा है 27 जुलाई से है, और इसके अंदर आपको एडवांस से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा ट्रेनिंग देते हैं हम यहाँ पर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ईएमएमसी डायग्राम सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल आप इसके अंदर एंड्रॉइड का फुल कोर्स कर सकते हैं, हमारे इसमें जो है 27 बुकिंग चल रही है तो आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ लास्ट हमारा प्रोसेस चल रहा है, सिस्टम की फाइल राइट चल रही है, इसके बाद देखते हैं हमारा ये फोन हमारा ऑन होगा या नहीं होगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया किस तरह से काम करना है, क्या करना है। ये तो एक छोटा सा यूएफएस का काम था, हम इससे ज्यादा बताएंगे आपको यहाँ पर क्लास में, कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं यूएफएस को, कैसे प्रॉब्लम आती है, क्या क्या एरर्स आते हैं। आप अभी तक एमएमसी के पीछे काम किए, एमएमसी के सारे एरर्स देख लिए, जितने टाइप के एरर आते थे आपने एमएमसी के बनाए, लेकिन अब फ्यूचर के बारे में सोचना यह है कि मार्केट में आने वाला जो काम है वो ईएमएमसी नहीं होगा, यूएफएस होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक फाइल एरर आ गई है, वो तो जी शॉर्ट पे आ जाएंगे, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है, उसको इग्नोर करो, वो नहीं भी राइट हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम देखिए एक बार फोन हम ऑन करके देखते हैं,
चलो बैटरी निकाल के फिर से रिकनेक्ट कर लेता हूँ और एक बार मैं यहाँ पर फिर से कनेक्ट करके देखता हूँ कि यहाँ पर फोन ऑन होगा या नहीं होगा। देख सकते तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, यहाँ पर रेडमी का लोगो आ चुका है, मतलब हमारा फोन ऑन होने वाला है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं कि लोगो पे अटकेगा या सेकेंड लोगो पे जाएगा, देखते हैं। अभी यहाँ देख सकते हैं ये हमारा चार्जिंग का भी लोगो आ चुका है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग का लोगो आ गया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और देखेंगे फर्स्ट लोगो पे स्टक अप है या सेकेंड लोगो पे जाएगा, ऑन होगा नहीं होगा, पूरा लाइव आपके सामने ये वीडियो चल रहा है। ये एरर आएगा कोई डरने वाली बात नहीं है, हम आपको सारे फाइल्स के बारे में डिटेल बताएंगे कि कहाँ एरर आता है, कैसे आता है, क्यों आता है और इसका रीजन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, क्या ये एंटिक या फेल्ड होने से क्या फोन में कोई प्रॉब्लम आएगी। आप देख सकते हैं MIUI का सेकेंड लोगो आ गया, मतलब यहाँ पर फोन कंप्लीटली बूट हो चुका है और आप देख सकते हैं ऑन हो गया। पुरानी हमारी EOFS थी वो SK Hynix थी, इसके अंदर जो लगी है वो है सैमसंग की, आपके सामने लाइव मैंने चेंज करके दिखाया। ये तो छोटा सा प्रो सॉल्यूशन था, इसमें और भी हम आपको Exynos में सैमसंग में आते हैं, Exynos में कैसे EOFS चेंज करना है, EMMC कैसे चेंज करना है, बिना डम के डम क्रिएट करना, पार्टीशन कैसे बनाना है, सारा चीज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, फोन फिक्स के हैदराबाद के साथ जुड़ जाइए, आपको ये सारे चीज मिल जाएंगे, इस कोर्स में आपको सब चीज आपको बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन का भी क्लासेस होता है जिसके अंदर आप सॉफ्टवेयर के लिए जुड़ सकते हैं, अगर आपको समझो यहाँ आने में कोई दिक्कत आ रही है सॉफ्टवेयर सीखने के लिए, आप बहुत दूर से आ रहे हैं अगर नहीं आना हो रहा है, तो हमारा शॉर्ट कोर्स भी है जिसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर ही बताएगा, हार्डवेयर का नहीं, हार्डवेयर के लिए तो आपको यहाँ आना होगा। अगर आप सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, EMMC प्रोग्रामिंग, EOFS प्रोग्रामिंग अगर ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, तो हमारा हर महीना फर्स्ट तारीख से होता है बुकिंग और अभी जो है हमारी 1 अगस्त से है, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। अगर ऑफलाइन आना चाहते हैं तो 27 जुलाई से है और ऑनलाइन आना चाहते हैं तो 1 अगस्त से होगा। तो अपने नीचे नंबर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कोर्स की डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, फर्स्ट टाइम ऑन होने में लेट होता है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आ गया है MIUI वेलकम स्क्रीन और ये पूरी तरीके से ऑन हो चुका है और हम इसको देख सकते हैं, हमारा टच सारा कुछ वर्किंग में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो सिर्फ 2.1 था, आप 3.1 तक भी आप EOFS चेंज आराम से कर सकते हैं। मैं आपको सारे चीज़ें यहाँ पर क्लास में बताऊंगा कि क्या इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से राइट करनी है, किस तरह से रीड करनी है, प्रोग्रामिंग कैसे EOFS, क्योंकि यहाँ पर आप अगर लॉजिक लगाओगे EMMC से कंपेयर करोगे तो प्रोग्रामिंग उस तरह से नहीं होती, EOFS की टोटली चेंज है, EMMC का अलग होता है। अगर आप सोचोगे कि EMMC का आपको आता है आप EOFS भी कर सकते, तो ये बहुत बड़ी आपकी गलती सोच है। आपको EOFS में थोड़ा सा चेंज प्रोसेस होता है, उसके अंदर फ्लैशिंग छोड़कर बाकी का जो प्रोग्रामिंग होती है वो EMMC से मैच नहीं होता, उसका टोटली चेंज होता है। तो ये सारा चीज आपको मैं यहाँ पर डीपली बताऊंगा किस तरह से EOFS को प्रोग्रामिंग करनी है। तो आप अपनी सीट यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं अपनी बुक। तो थोड़ा सा इसको ऑन करने के लिए वेट करते हैं। तो ये हमारा लास्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया,
ये हमारा देख सकते हैं फोन टोटल ऑन हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, जिसको जो हमारे भाई है जहाँ तक उनको नॉलेज नहीं है उन तक ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।